तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x इफ y इक्वल टू 3 by 3, 2, 1 और 4। 2 by 2 का मैट्रिक्स है x और एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus y इक्वल टू 1, 0, -3, 2। ठीक है, तो बोल रहा था x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो। तो क्या करना चाहिए इसमें, देखो ये जो x है ना, ये x, हमको इस x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू तो अपने को पता है, तो y का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो y का वैल्यू यहाँ आ गया। अब क्या करना चाहिए, इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स लगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, इस दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और इधर क्या बच गया 2x, फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो देखो सॉल्यूशन गिवन, जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू 3, 2, 1, 4 एंड क्या दिया है तुम्हारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 0, -3, 2। ये गिवन है हमारे पास, है कि नहीं। तो अब देखो थोड़ा सा, सिंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 0, -3, 2 तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2x y का वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो y का वैल्यू क्या करते हैं, ये उठा के यहां पे डाल देते हैं, तो y का वैल्यू देखो कितना है तुम्हारे पास, 3, 2, 1, 4 इक्वल टू 1, 0, -3, 2 ऐसा आ गया। अब क्या करना चाहिए, इस वाले मैट्रिक्स को उठा के इधर लेके आना चाहिए, तो कितना आ रहा है तुम्हारा, 2x इक्वल टू 1, 0, -3, 2 -3, 2, 1, 4 ऐसा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 1, -3 कितना आएगा, -2। 0, -2 कितना आएगा, -2। -3 और -1 कितना आ जाएगा, -4। और 2, -4 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो यहां से देखो अब x इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 क्या आ रहा है तुम्हारा, -2, -2, -4, -2। ठीक है, अब 1/2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, x इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, -1, -1, -2 और -1। यही हमारा आंसर है, समझ में आया, ठीक है, नोट करो।